वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दी वीडियो च आपां थोनू दर्शन करवावांगे गुरद्वारा थड़ा साहिब मीरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी चरण छो प्राप्त स्थान गुरद्वारा थड़ा साहिब पिंड अयाली कलां जिला लुधियाणा। तो वो आपां थोनू दर्शन करवावांगे ते नाले थोनू गुरु साहिब दे दर्शन करवावांगे ते नाल नाल थोनू आपां दसांगे इतिहास। तो चलो आप लैके चलते थोड़ा गुरद्वारा साहब। आप इस वक्त खड़े हाँ फिरोजपुर लुधियाना रोड से। आ है अयाली कलां जाने वाला रास्ता, आ सामने हैगा लुधियाना, तो वह सामने जिते जूम करके दिखाने हरा जहा बोर्ड आ, तो उत्थे पुल स्टार्ट हो जाता जिहड़ा सीधा दिल्ली वाले रोड नूं मिलाउंदा वा। तो इधरले पासे हैगा फिरोजपुर, तो आप आए हैं लिंक रोड के नाल ही पै के। तो इधरले पासे दी जदों आप थोड़ा जा अद्धा किलोमीटर अगे आए हैं तो आ रोड जाता, तो आ सीधा लुधियाने लंघ जाता वा। तो इधरले पासे हैगा अयाली कलां पिंड तकरीबन 1.5 किलोमीटर अगे। तो इतों अगे जिहड़ा 1.5 किलोमीटर अगे जाके जिहड़ा बोर्ड आ जाता वा अयाली कलां दा, आ हैगा अयाली कलां दा बोर्ड जिहड़ा ते पिंड आ। जदों तुसीं रोड तो सीधा उस सड़क ही आउणे आ तो सामने किसी पासे नहीं मुड़ना, इस रास्ते से जिहड़ा गुरद्वारा साहब थोनों मिल जाएगा। जेकर आप इतिहास की गल करिए गुरद्वारा थड़ा साहब पातशाही छेवीं अयाली कलां दा इतिहास डरोली भाई तो साई दास ते माता रामू जी वालों नवा मकान बनाउन ते सुनेहा भेजा कि उन्हां चिर नवे मकान में जिहड़ा निवास नहीं करनगे जिन्ना चिर आप साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी आके अपने पवित्र चरण नहीं पाते। तो गुरु साहिब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नू दूजे पासे नानक मते साहिब तो भाई अलमस्त ने बेनती की कि सीधा नानक मते दे यादगारी चिन्ह पिपल नू साड़ दिता, दास नू इस थां तो परे रहन लई नित नवीं गल्लां जिहड़े करदे हन, सो नानक मते पुजन की कृपालता करो। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने साहिब जी ने अपने परिवार नू डरोली भाई अमृतसर तो जिहड़ा भेज दिता, आप श्री करतार साहब करतारपुर मुक्तेश्वर पीलीभीत ते बरेली होंदे होए नानक मते साहब पहुँचे। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिद्धां दीआं जिहड़ियां शक्तियां नू तहस नहस करके सिद्धां नू भजा दिता ते भाई अलमस्त जी नू दिलासा दे के वापस पंजाब नू हरिद्वार सहारनपुर जगाधरी होंदे होए लुधियाणे दे नेड़े पिंड दुगरी गुरद्वारा दमदमा साहब जिहड़े उत्थे पुज्जे ते रात नू विश्राम किया। ते अगले दिन ही पिंड अयाली कलां पिंड दाखा होंदे होए पिंड रकबे दमदमा साहब पुज के जिहड़ा रात नू विश्राम किया। अगले भलक मंजलो मंजली डरोली भाई साई दास पास पहुँचे जिथे परिवार पहला ही पहुँच गया चुकया सी। नवंबर 1631 नू तीजी इतिहासक जंग पिंड नथाणा दी कालूनाथ की ढाब ते लड़के शाही फौजां दा जिहड़ा 35,000 नू नरकां नू भेजिया ते 17,000 लटेरे जो मुगलां नाल आए सी नरकां नू भेज के जंग जित्ती। जंग जित्तण उपरंत साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब संगतां नू तारदे होए पिंड दीने कांगड़ तों मंजलो मंजली तुरदे होए पिंड तख्तूपुरा चक्कर हठूर पखोवाल धालियां होंदे होए पिंड गुजरवाल दे फतूही चौधरी तारदे होए पिंड फतूही चौधरी ने गुरु साहिब जी की तन मन नाल बहुत सेवा की। तो गुरु साहिब ने चौधरी का मन का हंकार जो सेवा करन करके आ गया सी बाज की मंग करके तोड़िया, चौधरी ने बाज देने तो इनकार किया तो बाज ने डोरी अंदर जड़ी निगल ली आपदे अंदर तो बेहोश हो गया। चौधरी साहब जिहड़ा बाज नूं लैके गुरु साहब जी दे पास आया तो बाज दे सिर ते जदों गुरु साहब ने अपना हाथ फेरिया तो बाज ने निगली हुई जिहड़ी डोरी बाहर कढ दित्ती। गुरु साहब ने चौधरी नूं निम्रता विच रहिण दी सिक्ख्या दे के सवेरे पिंड गुजरवाल तो चाले पाए तो पिंड अयाली कलां गुरद्वारा थड़ा साहब दे अस्थान ते पुज्जे। भाई विधि चंद ते होर सूरमियां ने अपने हत्थां नाल गुरु साहब दे बैठण लई जिहड़ा मिट्टी दा थड़ा तैयार किया। संध्या वेले इस नगर तो चाले पाए तो पिंड मलकपुर बेट के सतलुज दरिया के पतन तो मलाहां पासों बेड़े लैके सतलुज दरिया पार कर गए। जिस थां ते बेड़े लए अज उस थां ते कुरख का दरख्त खड़ा है जिस नाल मलाह बेड़े बांधे सन, ओ उस गड्ढे हुए किले तो रुख बन गया। यह दरख्त पिंड मलकपुर तो पिंड भीरमी दे विचकार हुण भी मौजूद है। गुरु साहब दे मऊ साहब नानके सन, मऊ साहब के बाहर ही यूं हद तो परे दी
लंघ के फिलौर बावली साहब विखे विश्राम करके अगले पलक करतारपुर पहुँच गए। तो भाई विधि चंद ने पेंदे खां ते संगत नू नथाणे युद्ध का जिहड़ा प्रसंग आदि तो अंत तक सुनाया सीगा। तो जिहड़े इत्थों दे इस गुरद्वारा साहब दे जिन्होंने इतिहास खोजिया है उन्हां दे स्वर्गवासी जिहड़े नाम उह तुहानूं दस दिंदे आ, स्वर्गवासी मास्टर हरनाम सिंह भंगू, डॉक्टर साधु सिंह रिटायर PAS क्लास, स्वर्ग सरदार मलकीत सिंह रिटायर सुपरडेंट दफ्तर, सरदार नरेंद्र सिंह रिटायर सेंटर हैड मास्टर, सरदार चरण सिंह मैंबर गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार लाभ सिंह मीत गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार करनैल सिंह प्रधान गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी। सो इन्होंने जरा इतों का इतिहास खरोज जरा खोजा सगा। पेंड इयाली कलां जिला लुधियाने का जरा ये अपना गुरद्वारा साहब के दर्शन करवाए आ। सो थोनू किमें जे गुरद्वारा साहब जो दर्शन हो गए थोनू जरा मैनू आ सके भी थोड़ा बहुत वधिया लगे होगा। तो कई लोगों को जरा इस गुरद्वारा साहब बारे पता भी नहीं होना, इतिहास बारे भी पता नहीं होना। सो इवें दियां वीडियो थोड़े तक ये पहुँचदियाँ रहनगियां। सो अपने जोड़े चैनल में यूट्यूब वाले सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकन की घंटी में जरा नप लो तो जो आने वाली वीडियो थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सकन। सो अज आप जरा थोनू गुरद्वारा साहब के दर्शन कराए वक् वक् तरह दीडियो लैके थोड़े तक जो पहुँचते हैं। साहिब श्री गुरु धन धन मीरी पीरी दे मालक धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी की याद में जोड़े दो निशान साहब मीरी पीरी दे भी इतने जोड़े लगे हुए हैं। तो इस गुरद्वारा साहब के जी पार्किंग भी मिल जूगी, खुली डुली पार्किंग है जी गुरद्वारा साहब के बिल्कुल गेट के सामने जी पार्किंग बनी हुई है। तो नाल ही सामने जोड़ा लंगर हाल भी बनया हुआ वा, आ जोड़ा लंगर हाल आ तो वह सामने जरा पीली कली की हुई है, तो वह हैगा जरा इस गुरद्वारा साहब का दफ्तर। सो आ गुरद्वारा साहब का जरा रास्ता आता मेन, तो इतने जरा आवे लिखा हुआ गुरद्वारा थड़ा साहब पातशाही छेवीं पिंड इयाली कलां। सो अज की वीडियो तुहानू किवें लगी जरूर कमेंट करके दस्सो जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।